मेरी इतनी मेहनत और कोशिश के बावजूद भी तुम मेरे सामने आ गए। मुझे दी हुई पहले की तकलीफें कम थी क्या जो तुम एक बार फिर एक लड़की के हाथ में हाथ डाले मेरे सामने आके खड़े हो गए, वो भी मेरी बॉस। ऊपर से वो लड़की क्या कह रही थी, बड़ी आई खुशियों की वजह बनने वाली, बड़ा आया हीरो बनने वाला। और उस लड़के का होलिया देखा था, एकदम बेकार। अरे वो लड़की दिखने में कुछ लगती तो, हाँ लगती तो थी, बिल्कुल सड़े हुए अंडे जैसी शक्ल थी उसकी। और बाकी सब बातें तो रहने दो, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। 6 महीने नहीं, चाहे 100 साल भी गुजर जाए तुम्हारी फितरत तो वही रहेगी ना, एक घूमने वाले झूले की तरह घूम जाते हो बस। इतनी जल्दी मुझे भूल गई और चले गई उस सूट बूट वाले आदमी के पास, हद है यार। मैं बता रहा हूँ यार, वो शख्स नाज़ली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम देख लेना, अल्लाह तुम्हें पूछेगा। तुम हमेशा जिंदगी भर तड़पोगे, जिंदगी भर। तुम एक बला हो, मुझे खत्म कर गए, मिटा गए। तुम्हारे बाल झड़ जाएं, तुम्हारे मुंह पे झुर्रियां पड़ जाएं, तुम्हारी तरफ कभी कोई भी ना देखे। यार तुम समंदर में गिर जाओ और तुम्हारे दिल की जगह जो पत्थर है वो तुम्हें डुबो दे। लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो बस। क्या हो गया यार तुम्हें, तुम कैसी हरकतें करने लगे हो, बिल्कुल जोकर लग रहे हो। नहीं होता भाई, नहीं होता। जैसे कुछ कहने लगता हूँ उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है और बस फिर उसके बाद तो मेरे जहन में चिड़ियां तितलियां फूल सब कुछ उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। भाई नाज़ली के बारे में मेरे जहन में मेरी जबान पर एक भी बुरा लफ्ज नहीं आ सकता। यार मेरे ख्याल से तुम इस वक्त ज्यादा ही जेलस हो रहे हो। वो आदमी एक परेशानी में था, नाज़ली ने उसकी मदद कर दी, अब वो उसका कर्ज उतार रहा है। अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ होश में तो हो ना तुम। अमरीन का कजन है वो, अमरीन को बताया कि नाज़ली से प्यार करता है वो। प्यार करता है तो करने दो। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं 2 दिन में मोहब्बत कैसे हो जाती है। क्या मतलब? यार मोहब्बत होती है तो होने दो ना, इम्पोर्टेंट ये है कि नाज़ली क्या कर रही है और क्या सोच रही है। भाई एक दफा अकल से काम लो और नाज़ली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। तुमने उस लड़की को 2 मरतबा शादी के मौके पर छोड़ा है, वो तुम्हें भूलने की कोशिश ना करे तो क्या करे। ऐसे मत कहो यार, प्लीज ऐसे मत कहो। ठीक है नहीं कहता। अल्लाह अल्लाह, भाई तुम बताओ कि क्या करोगे। मैं क्या करूंगा, बस अपनी मोहब्बत का पीछा करूंगा और क्या। चलो घूम फिर के फिर वहीं पर आ गए, हम वहां से निकले ही नहीं थे। तुम फिक्र मत करो, पहले की तरह कोई भी चोरी छुपे खेल नहीं खेला जाएगा। वैसे भी नाज़ली साहिबा कल ऑफिस तो आएंगी ही। ठीक है देखते हैं यार, लेकिन देखो प्लीज जब मैं घर पर होता हूँ तो यार मेरे घर के चक्कर मत लगाया करो, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कसम से। यार डर लगता है कहीं आरजू या नाज़ली तुम्हें ना देख लें, तुम जानते हो इसका नतीजा क्या होगा। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो यार इसके बाद मुझे आरजू के पास भी जाना है यहाँ से। हद है यार, चलो। कौन है? नानी मैं हूँ आरजू। मेहमत ने कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सूप लाई हूँ। तबीयत ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, लेकिन तुम्हें देख लिया अब पूरी रात ही पूरी गुजरने वाली है। क्या मतलब नानी, क्या आप बीमार नहीं है? तुम ये बात ना फैलाओ कि तहवीदे बीमार है बीमार है, ये क्या फैला रही हो तुम, पागल हो क्या? जकिया मेरी बात सुनो, बाज आ जाओ तुम। मैंने अभी वजू किया, नमाज पढ़ी है, खाना खाया है, मैं कहाँ से बीमार? अल्लाह तुम तो मेरी जिंदगी के पीछे ही पड़ गई हो तैयबा। अच्छा ये बताएं मेहमत घर पे है? तुम्हें क्या है मेरे नवासे से? नहीं है वो घर पे। क्या मतलब नहीं है वो घर पे? गया है कहीं। कहाँ गया है? मुझे क्या पता, मैं उसका हिसाब किताब रखती हूँ जो मुझसे पूछ रही हो तुम। एक बड़ी गाड़ी थी चमकती हुई, उसमें बैठा और चला गया, बस पता चल गया मेहमत का। क्या मेहमत ने मुझसे झूठ बोला है, आप ये कह रही हैं? तुमने अपनी झूठी कहानियों से ना जाने कितने घर उजाड़ दिए। रजिया बात सुनो, अल्लाह के अजाब से नहीं बच पाओगी, याद रखना। वो जो कोने में ब्लू वाला है ना? हाँ हाँ वही, इसके बराबर वाला, वो हाँ ये वाला। इसकी टैग लाइन दो, ओरिजिनल चाइना डिनर सेट, वो भी गोल्ड प्लेटेड,
मॉम देखिए आपके पास कोई सेट है ही नहीं, हमने लिए ही कब। जबान चलाने की जरूरत नहीं है, उंगलियां चलाओ अपनी। कोई इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आ रहा है, चलो काम करो अपना। लाइट सही है आलिया साहिबा? नहीं नहीं, थोड़ा सा और ऊपर करो। ठीक है। हाँ रुको मैं एंगल चेंज करती हूँ, बड़ा लगेगा। ओके दूसरी प्लेट लाओ। ये आपने तस्वीरें खींचने का बहुत अच्छा सोचा। हाँ मेरे आइडियाज ऐसे ही होते हैं शकुल। ठीक है मॉम, आप सच में बहुत गलत कर रही हैं, हम सब पकड़े जाएंगे और बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। कोई नहीं फंसेगा, कुछ नहीं होगा, मैं अपना सामान बेच रही हूँ, कोई क्यों पकड़ेगा हमें। उफ, मेरा कल एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ो पढ़ो बेटा, लेकिन तुम्हें ये इंटरनेट पे डालना होगा क्योंकि मैं मोबाइल यूज करती हूँ, कंप्यूटर यूज करना नहीं आता मुझे, ठीक है ना। मैं ना हूँ तो आप सब क्या करेंगे। चलो आयशा को दूसरी लाओ। हाँ ये आखिरी बची है। हाँ सो गई हूँ मैं, सो गई हूँ।